गाइस आप देख रहे हैं क्रिप्स टॉक। सो दोस्तों फाइनली कसक वेब सीरीज जो कि उल्लू ऐप की ओरिजिनल वेब सीरीज है आ चुकी है और आज हम इसी का रिव्यू देंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं यहां पे जो भी लोग इरोटिक या एडल्ट वेब सीरीज देखने के लिए आते हैं सो यहां पे उनको बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है क्योंकि ये वेब सीरीज पूरा तरह से इमोशनल वेब सीरीज है और इसे देखकर आप यकीन मानिए रो देंगे, आपके आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे देता हूं, तो इस वेब सीरीज को देखने के पहले अपने हाथों में रुमाल वगैरह रख लें और कान आंख खोलकर इस वेब सीरीज को सुने और देखें क्योंकि इसकी जो कहानी है जो स्क्रिप्ट है पूरे तरह से ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इसमें जो कास्ट एंड क्रू हैं, इहाना ढिल्लों हुई या मिनिसा लांबा या विनीत रैना, ये सभी बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं। सो ये अरुणा संभाग की लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड है, अब तो वैसे भी जिंदा नहीं है, उनकी रियल स्टोरी का एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये सीरीज देख कर आप उस अरुणा की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ ऐसे बात जान लेंगे जो कि आपको नहीं पता होगा। सो इसको देखने का पहले मैंने आपको बता ही दिया ये पूरी तरह से इमोशनल है, सो इसे आप फैमिली के साथ भी बैठ के आराम से देख सकते हैं। ये उल्लू ऐप पे अवेलेबल है, ये टोटल 4 एपिसोड्स में आई है, इसकी रनिंग टाइम वही लगभग 1-2 घंटे है, सो इसे आप इजीली एक दिन में निकाल देंगे। तो दोस्तों अगर बात करें कसक फिल्म के प्लॉट की सो यहाँ पे शीतल जो लड़की होती है काफ़ी अच्छी नेचर की होती है, एकदम शुद्ध विचार की, एकदम ऑनेस्ट, किसी को भी भाई बना लेना, किसी का बहन बन जाना, किसी का माँ बन जाना, ये इतनी काइंड हार्टेड नेचर की लड़की होती है, इसका तारीफ करना बिल्कुल जायज है। और ये एक लड़के को चाहती है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विनीत रैना। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अभी तक शीतल ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन विनीत रैना बोल चुकी है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस कहानी में भी यही दिखाता है कि यहाँ पे शीतल इंजीनियर नर्स होती है एक हॉस्पिटल में, ये इसी बीच कुछ ऐसा देखती है हॉस्पिटल में जो कि इसको बुरा लगता है और ये देखती है कि दवाइयों में घोल मेल हो रहा है और ये सभी हमारे हॉस्पिटल की नर्सें कर रही हैं, तो इनका ही काम है ये सब। सो ये जाके उसे कंप्लेन करती है कि तुम लोग क्यों दवाइयों में घोल मेल कर रहे हो, तो इसे ये लगता है कि ये केस बस यहीं तक सीमित है क्योंकि ये बात ये नहीं जानती कि इस हॉस्पिटल के छोटे पोस्ट से लेकर बड़े पोस्ट वालों तक मिले हुए हैं और सभी मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। कि जो कलीग होती है जाके ऊपर अपना कंप्लेन कर देती है इसका और इसके बाद इसका मर्डर का प्लान बना लेते हैं। फाइनली इसका सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए एक आदमी को भेज देता है सब और ये जाकर कुत्ता का चैन ले जाता है और उसके गले में फंसा कर इसको लगभग मार देता है। सो ये लोग लगता है मर चुकी है लेकिन ये जिंदा रहती है, ये अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है, ये ऑक्सीजन का एक नस जो जाता है ब्रेन में ये कट जाता है। नली 37 सालों के बाद इसकी एक फ्रेंड आती है इसका हेल्प करने के लिए जिसका नाम होता है मीनार। ये बेसिकली गुजरात में सेटल है और एक मिडिल हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इसका एक्चुअली बचपन में शीतल ने ही हेल्प किया था और तभी से इन दोनों का एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था और ये लोग काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। अभी मीनार काफ़ी बड़ी एक सोशल एक्टिविस्ट कम जर्नलिस्ट बन चुकी है, अभी ये कोर्ट में मर्सी पिटीशन फाइल कर देती है इसके लिए ताकि इसका एग्जामिन हो और असली दोषियों को मिले। तो दोस्तों बस यही है इस सीरीज में, इसके बाद कोर्ट उस पेटिशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है ये सब देखने के लिए आप इस सीरीज को देखें। इस सीरीज में भर भर के इमोशनल सीन्स दिए गए हैं, आपको देखकर उस अरुणा संभाग की याद जरूर आएगी तो उस अरुणा संभाग ने अपने लाइफ में कितना दुख झेला होगा। और इस वेब सीरीज को आपको क्यों देखना चाहिए, तो ये वेब सीरीज न्यूडिटी को या एडल्ट सीन्स को नहीं दिखाती है, बिल्कुल साफ सुथरी सीरीज है और इसे आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं। पहली पॉइंट तो ये रहेगा उसको देखने के लिए और दूसरी पॉइंट ये है दोस्तों ये वेब सीरीज एक पूरी तरह से ट्रू इवेंट्स से बेस्ड है और रियल लाइफ हिस्ट्री दिखाती है अरुणा संभाग की, तो इसे आप देखकर उसके जिंदगी से जुड़ा बहुत सारे ऐसे रियल फैक्ट्स जान सकते हैं जो कि आपको अभी तक पता नहीं था और आपको ये सब बात पता होना चाहिए। तो दोस्तों बस यही थी और इस वेब सीरीज को ना देखने का मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं है। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ जो लोग उल्लू ऐप पे सिर्फ न्यूडिटी इरोटिक सेक्सुअल या एडल्ट वेब सीरीज ही ढूंढते हैं और ये लोग वैसा वेब सीरीज समझ के इसको देखने के लिए आए हैं, सो यहाँ पे ये लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा होगा और दुख पहुंचेगा। सो दोस्तों फाइनली ये वेब सीरीज मस्ट वॉच है, आप लोग देख के इसे एंजॉय करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं मारा है आपने तो मार दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। Should I